डॉक्टर साहब, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों आएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी यह क्या है? वावरी से हर महीना वावरी में अंड निकलती है। वो अंड जो ट्यूब्स होते हैं, फिलोपियन ट्यूब्स, उसके उस पासेस के द्वारा वो ट्रैवल करके फिलोपियन ट्यूब में वो तो जाती है, उधर तैर जाता है। फिलोपियन ट्यूब पहले तैर रहेगा, उसके बाद क्या है, जब शुक्राणु होते हैं, जब सेक्स में भाग लेने के समय जो शुक्राणु निकलते हैं वो तो यौनि मार्ग से गर्भाशय में जाकर वजह से फिलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे। फिलोपियन ट्यूब में आने के बाद ये शुक्राणु वो अंड जो निकली वॉय से निकली उसे मिलकर जयगोट बन जाएगी। जयगोट शुक्राणु आने तक वो अंड उधर ही रहता है। शुक्राणु मिलने के बाद, शुक्राणु से एक मिलन होने के बाद वो जयगोट बनेगा। जब जयगोट बनेगी तभी वो जयगोट में तभी वो ट्रैवल करके सफर करके वो तो अन्य गर्भाशय में दे जाती है। वीरकंड से शुक्राणु से अंड नहीं मिलेगा तो अंड उधर ही रह जाती है। वीरकंड से मिलने के बाद उधर दो दिन ठहरेंगे, एक दिन और दो दिन बुझे अब फिलोपियन ट्यूब में ही ठहरेगी। उसके बाद थोड़ा सा ट्रैवल करके आकर गर्भ यूट्रस में वो शिशु के जैसे बनवा, तीन महीने के बाद स्लो धीरे धीरे। कुछ महिलाओं में वैवत थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, या जब ये इन्फेक्शन आते हैं, इन्फेक्शन से ये फिलोपियन ट्यूब में थोड़ा सा रुकावट बनेगी, रुकावट अवरुद्ध बनेगा, वो तो ये तो नैरो बन जाएगा। उधर पहले से शुक्राणु से ये ट्रैवल कर सकते हैं, रुकावट रहने पर भी, अवरुद्ध रहने पर भी वो ट्रैवल करके ये वो उधर जाकर से मिलता है। दोनों मिलकर परमाणु बन जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा परमाणु, वो जयगोट का परमाणु बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तब जो अवरुद्ध फिलोपियन ट्यूब में है, जो रुकावट ब्लॉक है वो फिलोपियन ट्यूब है, उसको पार करके नहीं आ सकते, किधर गर्भाशय में नहीं आ सकते, उधर ही रुक जाता है। रुकावट की वजह से उधर ही रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसके आगे वह तो पार नहीं जा सकते। तब जाकर क्या होता है, उधर ही वह जयगोट शिशु के जैसे थोड़ा बनता है। लेकिन फिलोपियन ट्यूब में गर्भाशय के जैसे ऐसा बनने का कोई संभावना नहीं है। एक याद बहने के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा सा फेल हो जाता है, फट जाता है। इसे गर्भ जब काफी वो शुक्राणु जाकर अंड से मिलेगा, जयगोट बनेगा, वो तो जरूर गर्भाशय में आना है, नहीं तो उधर वो थोड़ा परिमाण बढ़कर वो फिलोपियन ट्यूब फट हो जाएगा। इसलिए ब्रेक हो जाएगा, पर रुकावट को एक्टिव क्यों होता है, फिलोपियन ट्यूब में रुकावट हो जाता है, अवरुद्ध होता है, उसकी वजह से ऐसा होगा। इसे फिलोपियन ट्यूब में इस प्रकार का रुकावट अवरुद्ध रहना, उसमें प्रेगनेंसी के संबंधित ये जयगोट मिल रह जाना, इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी किधर होना है, गर्भाशय में होना है, लेकिन किधर हुआ, अब फिलोपियन ट्यूब में हुआ, बगल में गांडाशय के गर्भाशय के बगल में ये प्रेगनेंसी हुआ। जो जयगोट का पूरा पूरा परिपक्व होना किधर होना है, गर्भाशय में होना। इसे फिलोपियन ट्यूब से ऐसे उससे बहुत कभी कभी डेंजर बन जाता है। इसको ये जब प्रेगनेंसी फिलोपियन ट्यूब में बनेगा तब उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस प्रकार एक्टोपिक प्रेगनेंसी से पहले ही, आजकल तो गर्भ आने के बाद जब महीना नहीं आएगा तब तक तो प्रेगनेंसी का सस्पेक्ट करेंगे, एक फिलोपियन ट्यूब अल्ट्रासाउंड के द्वारा उनको समझ जाते हैं, पहले ही समझ जाते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं, पहले ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हर औरत उनको हर महीना आने वाला
मासिक धर्म आएगा तो, नहीं आएगा तो प्रेग्नेंसी का सस्पेक्ट करना है, उसके लिए जाकर आना, अल्ट्रासाउंड कराना, अल्ट्रासाउंड स्कैन में सब कुछ समझ में आ जाएगा। उस प्रकार जब कभी यदि उसमें फिलोप में वो तो एक्टिव प्रेग्नेंसी हो तो ठीक करना होगा। Please download Samaram Multichannel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. Marini kotta videos kosam ma channel ki subscribe cheyandi, krinda unna bell icon ni activate cheyandi.